हेलो दोस्तों दोस्तों जैसे कि आपको पता है भारत में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। ऐसे में आधार कार्ड का डाटा सुरक्षा UIDAI के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार आपने खबरें सुनी होगी कि आपका आधार डाटा लीक हुआ है और हमें चिंता होती है क्योंकि हमारा आधार कार्ड नंबर बहुत ही जगह लिंक है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे आधार कार्ड के डाटा को और भी सुरक्षित रखने के लिए UIDAI ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मास्क आधार। तो इस वीडियो में हम मास्क आधार के बारे में ही जानकारी देंगे कि इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसका क्या यूज होता है, सर कुछ बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं मास्क आधार को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मास्क आधार का मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में 12 डिजिट आपको दिखेंगे, तो मास्क आधार कार्ड में पहले 8 डिजिट हाइड हो जाएंगे और पीछे के 4 डिजिट ही दिखेंगे। यानी कि आप अगर कहीं पे भी आपका आधार कार्ड देते हो तो उनके पास पूरा आधार कार्ड नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मास्क आधार कार्ड में सिर्फ 4 डिजिट ही दिखेंगे। तो अब सवाल होता है कि क्या ये वैलिड है? तो यहाँ पे UIDAI ने बता दिया है कि ये बिल्कुल वैलिड है, आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हमारे मन में आता है कि हम इसे कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा, जिसके लिए मैं आपको कंप्यूटर पर लेके जाके स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बिल्कुल ये प्रोसेस आप आपके मोबाइल पे भी कर सकते हो और वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो मास्क आधार। तो चलिए हम जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी ऐसा हेल्पिंग वीडियो मेरा मिस ना कर सको। मेरा नाम हरीश है और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर और यहाँ पे मैं UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दी है, जहाँ पे आपको आधार के बारे में सारी कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम डाल दिया है UIDAI.gov.in और बिल्कुल ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर दी और बिल्कुल आपके सामने ये पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहला कॉलम ही दिखेगा आधार एनरोलमेंट का, जहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड आधार में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे बिल्कुल आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले इसे कट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो चलिए मैं आपको सारी कुछ जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आई हैव, यानी कि आपके पास इन तीनों में से क्या है, आधार कार्ड है या फिर वर्चुअल आईडी है या फिर एनरोलमेंट आईडी है। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अब आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको रेगुलर आधार डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करें मास्क आधार की, तो बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपको सर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका आधार नंबर, आपका नाम, पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे फिल आउट करना है। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, आपको वही इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है जो आपके आधार कार्ड पे है, उसके अलावा कोई भी जानकारी आपको यहाँ पे अलग से फिल आउट नहीं करनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे आपको दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि बिल्कुल आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जब आपने आधार कार्ड बनाते वक्त दिया था, यानी कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP नंबर आएगा जो आपको आगे यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी कुछ इन्फॉर्मेशन फटाफट से फिल आउट करता हूँ और प्रोसेस आगे की बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी कुछ जानकारी फिल आउट कर दी है और यहाँ पे नीचे देखिए रिक्वेस्ट OTP का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, यानी कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हो और बिल्कुल आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए मुझे एरर दिखा रहा है कैप्चा कोड का, तो बिल्कुल आप भी चेकआउट कर लेना ऊपर की तरफ आपको कुछ एरर दिखा रहा है कि नहीं, और अगर एरर दिखा रहा होगा तो बिल्कुल उसे करेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा कोड को करेक्ट कर लेता हूं और रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है, तो चलिए यहाँ पे मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आया है जो मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ OTP नंबर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने OTP नंबर एंटर कर दिया और यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप डाउनलोड आधार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे बिल्कुल यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ मेरे आधार कार्ड को। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड सेव हो चुका है और यहाँ पे मैं व्यू डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पासवर्ड एंटर करना है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ आपको पासवर्ड क्या डालना है। जो भी आपका नाम होगा बिल्कुल उसका पहले चार अल्फ़ाबेट, यानी कि यहाँ पे मेरा नाम हरीश है, तो मैं यहाँ पे HARI ये एंटर करूँगा और पीछे ईयर, जी हाँ दोस्तों बॉर्न ईयर एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ फटाफट से। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा इससे मेथड में आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते ही मेरा आधार कार्ड सामने आया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मास्क आधार, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे आपके पहले 8 डिजिट छुप गए हैं और आखिरी के 4 डिजिट ही दिख रहे हैं। बिल्कुल आप इसका प्रिंटआउट कर सकते हो और ये आप आधार कार्ड कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये ऑफिशियल है, वैलिड है। तो इस तरह आप आपके आधार कार्ड को सेफ रख सकते हो, आधार इन्फॉर्मेशन सारी कुछ जानकारी आप बिल्कुल सेफ रख सकते हो। दोस्तों तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ऐसे हेल्पिंग वीडियोस आपके लिए रोजाना लाते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।